इज महर, वेलकम टू माय चैनल शेख महर 207। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज हम आपको बनाना बता रहे हैं बेसन का हलवा। बेसन के हलवे तो बहुत आपने देखे होंगे और सुने होंगे। ये 10 मिनट में घर में कितनी आसानी से बेसन का हलवा बनाया जा सकता है वो देखिए, बहुत आसानी से, और घर में ही इसके इंग्रेडिएंट्स निकल जाते हैं। चलिए इसमें क्या क्या लगेगा वो मैं आपको बताती हूँ। एक कटोरी बेसन लेंगे हम, और खोवा, खोवा हमें 2 टेबल स्पून लेना है, और ये 4 टेबल स्पून हमारा बेसन है। ड्राई फ्रूट आप जो चाहे वो जो डाल सकते हैं, मैंने बादाम और पिस्ता ली हूँ। इलायची, हरी इलायची का पाउडर 1 टीस्पून जाएगा। और ये देखिए मैंने चाशनी बना के रखी हूँ। चाशनी में मैंने क्या करी थी, 4 टेबल स्पून मैंने शक्कर ली थी और 4 टेबल स्पून ही नाप के मैंने पानी ली थी, और मैंने दोनों को पका ली थी, उसकी एक चाशनी तैयार कर ली है। 4 टेबल स्पून हमारा बेसन है तो उसके हिसाब से 8 टेबल स्पून, 8 से 10 भी ले सकते हैं आप, लेकिन 12 नहीं करें या 9 नहीं करें। और नाप के मेजरमेंट अगर आपको टेबल स्पून का समझ में नहीं आता तो आप कटोरी के हिसाब से भी ले सकते हैं। 1 कटोरी शक्कर तो 1 कटोरी पानी, और 4 टेबल स्पून हम ऑयल लेंगे। ऑयल, वेजिटेबल ऑयल जो आप लेते हैं, अगर आपको ऑयल नहीं चलता है तो आप घी भी ले सकते हैं। चलिए इसका मेथड मैं आपको बता देती हूँ। देखिए मैंने चूल्हा चालू कर दी, उसके ऊपर पैन रखी हूँ, उसमें मैंने ऑयल डाल दी, जितना मैंने ऑयल आपको बताई थी। अब धीरे धीरे करके हमें इसमें बेसन डालना है। ध्यान रहे बेसन में लम्स ना पड़े, और आपको अच्छे से इसको भूनना है। आपके घर में कोई गेस्ट आए फटाफट आप बना सकते हैं। आपके घर में इंग्रेडिएंट्स, बेसन तो हर घर में मिलता है, हर घर में रखा रहता है। देखिए इसको लगातार हमको चलाते रहना है ताकि इसमें लम्स ना हो जाए, और जब तक इसमें भुनने की स्मेल नहीं आ जाएगी कि भुन जाए, अच्छी सी खुशबू आती है सौंधी सौंधी, जब तक हमें इसे चलाते रहना है और भूनते रहना है। देखिए इसके बाद हम थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देंगे, जितना कि हमने आपको बताया है, और ड्राई फ्रूट डाल देंगे, खोवा डाल देंगे, और जो हमारी चाशनी है वो पूरी हम डाल देंगे। इसको लगातार हाथों से हम चम्मच से चलाते रहेंगे ताकि इसमें लम्स ना हो, और अच्छे से हलवा हमारा खूब अच्छा हलवा तैयार हो जाए। ये देखिए लगातार आपको चलाते रहना है, कुछ रोकना नहीं है हाथ अपना, सब चीज साइड में रख के ही आपको बैठना है और बनाने। जब तक बेसन अच्छे से नहीं भुनेगा, जब तक आपको कोई चीज को ऐड नहीं करना है, नहीं तो बेसन की कच्चापन रह जाएगा, आपका हलवे में टेस्ट नहीं आएगा। आप देसी घी में बनाना चाहते हैं तो देसी घी में भी बना सकते हैं। लगातार आपको चलाते रहना है जब तक एकदम थिक ना हो जाए। ये देखिए 10 मिनट में आपका हलवा रेडी। ज्यादा मेहनत भी नहीं लगी, ज्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं गए, हम कोई मेहमान आए तो हम घर में बना सकते हैं आसानी से। चलिए मैं आपको प्लेटिंग करके इस बताती हूँ। देखिए कितनी आसानी से हमारा बेसन का हलवा तैयार हो गया 10 मिनट के अंदर, और कितनी आसानी से आप घर के ही इंग्रेडिएंट से बना सकते हैं। अगर आपके पास मावा नहीं, खोवा नहीं है तो उसको अवॉइड भी कर सकते हैं, उसके बगैर भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मेरे पास था तो मैंने डाल दिया, अगर आपके पास नहीं है तो ना डालें। अगर आप स्पेशली बनाना चाहते हैं तो आप मंगा के डालिए, और बहुत अच्छा लगेगा, जरूर ट्राई कीजिए। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।